नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मीतास कुकिंग रेसिपी। आइए कुछ नया बनाते हैं, ज़िंदगी में खुशियाँ मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, चीज़ बस चीला। बेसन का चीला तो आप लोगों ने खाया ही होगा, पर आज हम उसी चीले को एक नए तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चीला बनाने के लिए मैंने एक कप बेसन लिया है, साथ में मैंने एक शिमला मिर्च को महीन चॉप कर लिया है, टमाटर को चॉप कर लिया है, प्याज को चॉप कर लिया है, ये मोजरेला चीज़ है, ये पिज़्ज़ा सॉस है, और ये हमारे चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो है। ये जो एक कप बेसन है, अब इसको मैं इसमें डाल लूँगी, और इसमें एक टीस्पून नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगैनो डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि लम्स नहीं पड़े इसमें। ये देखिए, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का, हमें एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी का बनाना है बैटर को। ये देखिए, अब हमारा ये तैयार है। अब मैं गैस पे नॉनस्टिक पैन रखती हूँ, गैस पे मैंने तवा रख दिया है, इसको हल्का सा ब्रशिंग कर दूंगी इस पे, और अब इस बैटर को हम धीरे धीरे डाल के फैलाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा सिकने देंगे, इसका बेस अच्छे से सिक जाए। ये देखिए, इधर से अच्छे से सिक गया। अब इसको मैं एक मिनट के लिए पलट रही हूँ, जिससे ये इसका जो हम अंदर की फिलिंग करेंगे उसमें कोई कच्चापन नहीं रहे। बस एक मिनट के लिए पलट के इसको हल्के से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, बस हमें हल्का सा ही सेकना था। अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे चीले पे। इस टाइम हमें गैस को एकदम स्लो रखना है, और हम अपनी सब्जियों को इस पे डाल लेंगे अच्छे से। और इस पे चीज डाल देंगे अच्छे से। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, और थोड़ा सा चीज को मेल्ट होने तक इसको हम और सेकेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, ये देखिए, और जैसे ही चीज हल्की सी मेल्ट होती है, दोनों लेयर आपस में चिपक जाती हैं, तो ये खुलने का भी बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। ये देखिए, हमारा चीज बस चीला बनके तैयार है, चीज अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखिए, अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आपको आगे भी मेरी इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी देखना पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।